सो यू कैन सी दिस, दिख रहा है आपको? देखिए, जब एक से ज्यादा मटेरियल यूज होता है एक ही प्रोडक्ट को बनाने में, सो वी हैव अ मिक्स, राइट? एक स्टैंडर्ड मिक्स होता है और एक एक्चुअल मिक्स होता है, ठीक है? तो मटेरियल तो अलग अलग होते ही हैं, साथ में किस तरह से उनको मिलाया जाता है। जैसे मान लो आपके दो मटेरियल हैं, तो आप 50% एक का ले रहे हो, 50% दूसरे का, तो उनका जो मिक्स हो गया वो क्या हो गया? आधा आधा हो गया। या ये भी हो सकता है कि 2/3 एक का है, 1/3 दूसरे का है, तो उनका जो मिक्स है वो 2:1 हो गया। तो ऐसे एक रेशियो होती है, या परसेंटेज कह लीजिए कि 50-50% दोनों का मिलके एक एक यूनिट बन रही है, या एक मटेरियल 60% यूज हो रहा है, दूसरा 40%, एक 70 दूसरा 30, एक आपका 80 दूसरा 20। तो जो भी उनकी परसेंटेज है, कैसे मिक्स करते हो आप उनको, दैट इज नोन एज अ मिक्स, राइट? तो एक से ज्यादा मटेरियल यूज होंगे, और वो कैसे मिक्स होने के बाद एक नया प्रोडक्ट जो बनता है, फाइनल आउटपुट जो बनता है, उसमें उसको बनाने के लिए इन मटेरियल्स को कैसे मिक्स किया जाता है, वो मिक्स कहलाता है, ठीक है? तो हम एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कि जब भी हम एक आउटपुट बनाएंगे तो 50% ए का होगा, 50% बी का होगा, ठीक है? फिर जब आपने एक्चुअल आउटपुट बनाया तो देखते हैं कि मान लो 60% ए का लग गया और 40% बी का, तो वो भी तो फर्क आएगा ना, उसकी वजह से भी तो चेंज आएगा ना, क्योंकि दोनों का प्राइस अलग अलग है, दोनों की क्वांटिटी आप अलग कर रहे हो। तो जो कुछ वेरिएंस है वो इस वजह से भी आ सकती है कि जैसे आपने सोचा था कि आप मिक्स करने वाले हो दो मटेरियल को, या उनकी क्या कॉम्पोजिशन होने वाली है और एक्चुअली क्या होती है वो, ठीक है? तो इस तरह से आपको देखना है कि क्या उस मिक्स में भी कोई चेंज है, उस मिक्स की वजह से भी तो आपके फाइनल कॉस्ट में चेंज आ रहा है। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यस मैम। तो हमें एक्चुअली उस हर उस फैक्टर का पता लगाना होता है जिसकी वजह से कॉस्ट में चेंज आता है। तो कॉस्ट में चेंज आने का हमने देखा पहला मेन लेवल, पहला लेवल क्या है? प्राइस या क्वांटिटी। अब प्राइस में चेंज आने के तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो आपको पता लगाने पड़ते हैं, बट अदरवाइज जो प्राइस का चेंज होता है वो आपको साफ दिख जाता है कि ये इतना सोचा था इतना हुआ है। लेकिन जो क्वांटिटी में फर्क आया, क्वांटिटी क्यों आपने कम या ज्यादा यूज की, अगर आप एक ही मटेरियल यूज कर रहे हो तो वो उसके यील्ड की वजह से हो सकता है, अगर आप एक से ज्यादा मटेरियल यूज कर रहे हो तो क्वांटिटी में फर्क उसके मिक्स की वजह से भी हो सकता है और यील्ड की वजह से भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मटेरियल यूसेज वेरियंस या क्वांटिटी वेरियंस इज इक्वल टू मटेरियल यील्ड वेरियंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरियंस, राइट? तो एक और डिविजन हो गया कि जो आपके कॉस्ट वेरियंस को हमने दो पार्ट्स में बांटा था, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, कॉस्ट में चेंज या तो प्राइस की वजह से या क्वांटिटी की वजह से। अब क्वांटिटी में जो चेंज है, राइट, सो इट कैन बी बिकॉज ऑफ द यील्ड और बिकॉज ऑफ द मिक्स, राइट? तो इसको भी आप फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक एमएमवी है, एक एमवाईवी है, राइट? सो यील्ड वेरिएंस अभी हमने देखा था मॉर्निंग वाली क्लास में, तो यील्ड वेरिएंस उसके आउटपुट जनरेट करने की कैपेसिटी की वजह से होता है। तो अगर एक ही मटेरियल है तो पूरा का पूरा आपका जो यूसेज वेरिएंस है वो यील्ड वेरिएंस की वजह से होता है, और अगर एक से ज्यादा मटेरियल है तो आपका मिक्स वेरिएंस हो सकता है या यील्ड वेरिएंस हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली आपको चेक करना है कि क्या रीजन है यूसेज में डिफरेंस आने का, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन के थ्रू वी कैन सी दिस। व्हेन द टोटल स्टैंडर्ड, टोटल ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स इज इक्वल टू द टोटल ऑफ एक्चुअल मिक्स, इसका क्या मतलब है? यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हियर। From the following information, calculate the material cost variance, material price variance and material usage variance. Standard आपको दिया हुआ है और actual दिया हुआ है।
स्टैंडर्ड में आप ने क्या सोचा है, 70 किलो ए का लगाएंगे, 30 किलो बी का, एक्चुअल में 50 किलो ए का और 50 किलो बी का, राइट? एक बार इसको पढ़िए, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि देखो, अब आपका ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में हमने क्या सोचा है कि ए का 70 किलो लगेगा और बी का 30 किलो, और दोनों का रेट अलग अलग है। और एक्चुअल जो होता है, देखिए एक्चुअल में ए का कितना यूज हो रहा है, 50 किलो, और बी का 50 किलो, और ये दोनों के रेट हैं। लेकिन जो टोटल क्वांटिटी है वो सेम है ना, 100, यहाँ पे भी 100 केजी है, यहाँ पे भी 100 केजी है, राइट? यस मैम। ठीक है, टोटल जितना मटेरियल यूज हो रहा है वो सेम है, लेकिन उसके अंदर जो आपकी कॉम्पोजिशन है उसमें बदलाव आ रहा है। जो हमने सोचा था वो ये था कि 70 किलो तो ए का लगेगा और 30 किलो बी का, जबकि दोनों का 50-50 किलो लग रहा है, राइट? यस मैम। तो इन दिस केस यू कैन मेक अ टेबल, क्योंकि एक से ज्यादा है तो आप टेबल बना सकते हो, बेसिक इंफॉर्मेशन टेबल आप इसको कह सकते हैं। स्टैंडर्ड मिक्स में आपको कुछ नहीं करना, मटेरियल ए में कितना लगना चाहिए 70 किलो, और 4 के भाव से, 4 रुपए पर किलो के हिसाब से कितना बना कॉस्ट, 280। जो बी है मटेरियल वो 30 किलो लगना चाहिए, 5 रुपए किलो है, तो आपका 150 रुपए खर्च होगा इस पे। तो ये हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट आनी चाहिए, 100 केजी की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, 430, राइट? ठीक है। यस मैम। अब एक्चुअल जो आया है वो भी आप एज इट इज लिख सकते हो, एक्चुअल 50 है दोनों का, और प्राइस में भी फर्क है। जिसका प्राइस 4 स्टैंडर्ड था उसका 5 एक्चुअल है, जिसका 5 स्टैंडर्ड था उसका 4 एक्चुअल है, और उसके हिसाब से ये एक्चुअल कॉस्ट बन गई दोनों की। सो दिस इज योर टोटल एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है? अब आपको फाइंड आउट करना है मटीरियल कॉस्ट वेरियंस। कॉस्ट वेरियंस आप टोटल का निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट स्टैंडर्ड कितनी है 430, और एक्चुअल कितनी है 450, सो 20 रुपए एडवर्स है, राइट? यहां तक समझ आ गया सबको? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करना है, वही आप यहाँ पे भी कर रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि अब स्टैंडर्ड कॉस्ट में आपके दो प्रोडक्ट्स, दो मटेरियल की कॉस्ट जुड़ी हुई है, और एक्चुअल में भी दो मटेरियल की कॉस्ट जुड़ी हुई है। फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, प्राइस वेरिएंस का भी फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन अब आपको अलग अलग निकालनी पड़ेगी प्राइस वेरिएंस, ए के लिए अलग और बी के लिए अलग। जो टोटल कॉस्ट वेरिएंस है वो तो आप टोटल की निकाल सकते हो, लेकिन जो प्राइस वेरिएंस है या क्वांटिटी वेरिएंस है वो आप दोनों की अलग अलग कैलकुलेट करोगे। इज इट ओके? मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस ए का कितना है 4 रुपए, एक्चुअल प्राइस कितना है 5 रुपए, तो 4 - 5 - 1 - 1 × 50 - 50, सो ये क्या हो गया एडवर्स, राइट? ठीक है। और जो बी है उसकी प्राइस वेरियंस पॉजिटिव है, क्योंकि उसको आपने सोचा था 5 रुपए लगेंगे 1 किलो के, और लगे हैं 4 रुपए, तो 5 - 4 = 1 एंड इंटू 50, जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो उसकी भी 50 है, और ये 50 फेवरेबल हो गया। तो टोटल जो प्राइस वेरिएंस होगी वो ए की प्राइस वेरिएंस प्लस बी की प्राइस वेरिएंस, तो ए प्लस बी का कितना हो जाएगा -50 + 50, तो 0 आ जाएगा ना आंसर। yes, ठीक
है, तो प्राइस की वजह से कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आया, जितना ए की कॉस्ट बढ़ी थी उतनी ही बी की कॉस्ट कम हो गई, है ना? Yes, ma'am. तो आपका जो प्राइस है उसमें कोई उसकी वजह से कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, इसकी इसका मतलब है कि जितना 20 रुपए एडवर्स जो आपका आ रहा है वो पूरा का पूरा क्वांटिटी की वजह से आएगा। तो क्वांटिटी में आप देखें कि जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस है, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी होता है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी 70, एक्चुअल कितनी है 50, 70 माइनस 50 ए के लिए और इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो ये 80 फेवरेबल हो गया। बी के लिए 5 इनटू 30 स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी और 50 एक्चुअल क्वांटिटी है, सो माइनस 20 इनटू 5 माइनस 100, तो ये 20 क्या हो गया एडवर्स, राइट? यस मैम। तो अब आपका ये जो पूरा का पूरा 20 एडवर्स है वो सिर्फ क्वांटिटी में चेंज की वजह से है। क्लियर है? Yes, ma'am. तो इसमें अभी हमने कोई मिक्स वेरिएंस नहीं कैलकुलेट की है, अभी आई हैव जस्ट सीन कि अगर एक की बजाय दो मटेरियल हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सिंपल है कि आप टोटल ले लोगे और टोटल से टोटल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगी और फिर अलग अलग करके देखोगे तो ए और बी का अलग अलग जो है प्राइस और यूटिलिटी वेरियंस दोनों सॉरी यूसेज वेरियंस दोनों अलग अलग आ जाएंगे, राइट? You can look at this illustration number 10. From the following data, calculate material cost variance, material price variance, material usage variance, material revised usage variance and material mix variance. ठीक है? इसमें अब आपके पास ये पहले तीन तो आप कैलकुलेट करते रहे हैं, ये दो चीजें नहीं आई हैं, मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसको आप कैसे निकालोगे? पहले जो इंफॉर्मेशन दी हुई है फिर से आप उसको एज ए टेबल के फॉर्म में लिख लीजिए। ए और बी है, स्टैंडर्ड मिक्स क्या है कि हम 60 यूनिट ए की डालेंगे और 40 यूनिट बी की और टोटल 100 होगा। और ये जो प्राइस है ए की एक यूनिट का प्राइस 2 रुपए है और बी की एक यूनिट का प्राइस 3 रुपए है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है। एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 80 यूनिट अब लग रही है ए की और 40 यूनिट लग रही है बी की, और दोनों का प्राइस जो है वो ए का 3 रुपए पर यूनिट और बी का 5 रुपए पर यूनिट। सो ये दिस बिकम्स द कॉस्ट एंड दिस इज द टोटल कॉस्ट of actual and this is the total standard cost. ठीक है? इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो given information थी उसको multiply किया है। ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे हम एक calculation करेंगे which is known as RSQ. RSQ means revised standard quantity. रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का क्या मतलब है? ठीक है, अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है कि आपका ये जो टोटल है ना वो चेंज हो गया है। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसमें टोटल 100 ही रहता है ना, दोनों में टोटल 100 था। यस मैम। नाउ द एक्चुअल क्वांटिटी टोटल हैज चेंज्ड, दैट मींस कि आपकी क्वांटिटी टोटल भी चेंज हो रही है, उसके अंदर की कॉम्पोजिशन तो चेंज हो ही रही है, टोटल क्वांटिटी जो आप यूज कर रहे हो वो भी चेंज हो रही है। जो पिछला क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है
पिछले क्वेश्चन में आपकी जो टोटल क्वांटिटी सेम रहती है, सिर्फ जो आपकी ए और बी आप कितना यूज कर रहे हो वो चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ए और बी का कॉम्पोजिशन के साथ साथ उसका टोटल क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब हमें एक चीज कैलकुलेट करनी है कि जब हम 100 यूनिट डाल रहे थे तो 60 यूनिट ए की थी और 40 जो थी वो बी की, यानी कि 60% ए था और 40% बी था, ऐसे बोल सकते हैं? Yes, ma'am. तो अगर हमारी यही परसेंटेज रहती तो हम इस नई क्वांटिटी के हिसाब से, जब आप 100 यूनिट जब टोटल डाल रहे हो तो 100 में से ए और बी के बीच में कैसे बंट रहा है कि ए जो है वो 60 है और बी कितना है 40, ए 60 है और बी 40 है, ठीक है। अब अगर हम 120 क्वांटिटी यूज करने लगे हैं, अब हम 120 क्वांटिटी यूज कर रहे हैं और 120 यूज करते हुए अगर हम यही परसेंटेज रखें ए और बी की, तो हमें कितना यूज करना चाहिए? जो ए का है वो 60% है और बी का कितना है 40%, तो 120 का 60% कितना होगा? अब आपका जो टोटल इनपुट है अब 100 नहीं बल्कि 120 है, 120 में अगर हम वही परसेंटेज डालें ए की जो पहले डाल रहे थे, तो उसके हिसाब से कितना बनना चाहिए? 120 का 60% कितना बनेगा? 72 ना, और 40% बाकी का रह जाएगा वो 48। यस मैम, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है कि हमने पहला एक एक्स्ट्रा काम ये किया है कि जो आपका, क्योंकि टोटल इनपुट चेंज हो रहा है, तो टोटल इनपुट अगर चेंज होता है तो पहले आप ये कैलकुलेट करोगे कि उस बढ़े हुए इनपुट के लिए या घटे हुए इनपुट के लिए ए और बी का क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए था। बेशक आपका टोटल इनपुट चेंज हो गया, लेकिन फिर भी अगर हम परसेंटेज सेम रखें ए और बी की, तो कितनी होनी चाहिए थी? वो 72 और 48 होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये क्या हुई आपकी, दिस इज नोन एज द रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर द एक्चुअल इनपुट। एक तो आपका स्टैंडर्ड इनपुट है, स्टैंडर्ड इनपुट है 100 यूनिट, 100 में तो ए का 60 होता है और बी का 40। तो अब हम कह रहे हैं कि अब आपने जो टोटल क्वांटिटी है वो 120 डली है, तो बेशक टोटल क्वांटिटी चलो 120 हो गई, तो अगर 120 में भी हम उसके अंदर की परसेंटेज को ना चेंज करें, ए और बी का कितना हिस्सा उसमें जा रहा है अगर उसको ना बदलें, तो 120 में से ए जो है वो 60% लगना चाहिए था, तो वो 72 यूनिट लगने चाहिए थी ए की और 48 यूनिट लगनी चाहिए थी बी की, राइट? Yes, ma'am. ये बात समझ आई है सबको? ठीक है, तो जब आपकी क्वांटिटी चेंज होती है तब आपको ये करने की जरूरत है। अगर क्वांटिटी नहीं चेंज होगी तब तो सेम ही रहेगा ना जो आपका स्टैंडर्ड में था, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें टोटल 100 और 100 रहता है, तो अगर हमें ये जानना होता कि जो एक्चुअल है उसके लिए ए और बी का क्या कॉम्पोजिशन है, तो फिर वही आ जाता वापस, क्योंकि जो आपको गिवन है वही आपका टोटल 60 और 40 था, तो वो सेम आप रिपीट कर देते तो वो सेम वैल्यू आ जाती, तो वो एक्स्ट्रा काम करने की कोई जरूरत नहीं थी वहां पे। ये करने की जरूरत कब पड़ती है हमें? जब टोटल क्वांटिटी इनपुट की आपकी चेंज होती है। टोटल क्वांटिटी जब इनपुट की चेंज होगी तो आपको पहली चीज ये चेक करनी है कि आपने टोटल बेशक चेंज कर दिया या आपका जो टोटल क्वांटिटी है वो चेंज हो गई, पर क्या उसके अंदर जो ए और बी का कॉम्पोजिशन है, उनका जो प्रपोर्शन है, उनकी जो रेशियो है, उनकी जो परसेंटेज है, उनका जो हिस्सा है, किसी भी नाम से आप उसे बोल सकते हो, क्या वो उतना ही रहता है जितना पहले था या वो भी बदल रहा है? तो आपका टोटल तो बदल रहा है, 100 से 120 हो गया। अब इसके अंदर जो ए और बी का हिस्सा था वो पहले 60% और 40% था, तो उसके हिसाब से वो अब 72 और 48 होना चाहिए। यस मैम।
लेकिन अब हम देखते हैं कि वो भी बदल रहा है, क्योंकि ए की जो क्वांटिटी आपने यूज की है वो 72 नहीं बल्कि 80 है, और जो बी की क्वांटिटी यूज की है वो 48 नहीं 40 है, राइट? यस मैम। तो दो चेंज हो रहे हैं, एक तो टोटल क्वांटिटी जो यूज कर रहे हो आप वो चेंज हो रही है, टोटल इनपुट चेंज हो रहा है, और उस इनपुट के अंदर की जो उनकी कॉम्पोजिशन है, उनकी जो रेशियो है, उनकी जो शेयरिंग है वो भी चेंज हो रही है, या आप ये कह लीजिए कि मिक्स चेंज हो रहा है। यस मैम। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट, ये वाली कैलकुलेशन आपको यहाँ दी गई है, द रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हैज बीन कैलकुलेटेड, और आपको ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मीनिंग आई हैव एक्सप्लेन टू यू। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। कॉस्ट वेरियंस क्या होगी, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, तो 240 माइनस 440, हाँ दिस इज 200 एडवर्स। Yes, ma'am. फिर आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस आता है, प्राइस वेरिएंस में हमें अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि दो मटेरियल हैं, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 80 है ए की और 40 है बी की, और इनके प्राइस में जो फर्क है वो आपने ले लिया, तो ये प्राइस से आने वाला अंतर है, 80 एडवर्स ए का है, 80 एडवर्स बी का है, तो टोटल मिला के 160 एडवर्स। हाँ यस मैम। फिर यूसेज का वेरिएंस आप देखेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो ये 2 रुपए जो है वो स्टैंडर्ड प्राइस है ए का और 3 है बी का, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 60 एंड एक्चुअल क्वांटिटी इज 80। फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन दिस 60 एंड 80, स्टैंडर्ड तो आपको दिया हुआ था, राइट? यहाँ पे है ना, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 80, यहाँ पे 40 और 40, ठीक है। सो जब आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे, वो दोनों वैल्यूज भी आपको दी हुई है, 60 माइनस 80 एंड 40 माइनस 40, तो ये आपका बी, बी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा यूसेज की वजह से, जो चेंज है वो ए में है 40 रुपए एडवर्स। यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस मैम। तो अब ये जो आपकी पहली 3 वेरिएंसेस तो हम पहले भी कैलकुलेट करते आए हैं, अब आपको ये 2 वेरिएंस और निकालनी है, मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब इतना फर्क आपका कॉस्ट में जो है वो क्वांटिटी के रिवाइज होने की वजह से आ रहा है, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी और कितनी एक्चुअली आपकी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो थी वो, और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आई है वो, उसको आप प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, तो हमें कॉस्ट में फर्क बताना है, इसलिए जो वेरिएंस है हमेशा रुपीज में आती है कि वो कितनी कॉस्ट के ऊपर फर्क डाल रही है, तो जो क्वांटिटी आपकी रिवाइज हुई है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसकी वजह से जो फर्क आएगा वो रुपीज में कैसे आएगा, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी का डिफरेंस ले लोगे सिर्फ, वो तो यूनिट्स में या केजी में आएगा, लेकिन अगर हमें पैसे के टर्म्स में चाहिए तो हम उसे प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, उन दोनों में जो अंतर है वो आपका क्वांटिटी में रिविजन की वजह से डिफरेंस आ रहा है, और उसको आपने रुपीज की टर्म्स में जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो उसे स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो ए का 2 रुपए है और बी का 3 रुपए है, और जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी वो 60 और 40 थी, और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने निकाली है 72 और 48।
ठीक है, तो ये 12 यूनिट इसकी रिवाइज हो रही है और 8 यूनिट इसकी रिवाइज हो रही है, ये 24 एडवर्ड्स, ये भी 24 एडवर्ड्स, तो ये 48 एडवर्ड्स आ गया, राइट? ठीक है, लेकिन अब देखो क्या जो वो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो एक्चुअली आ रही है या कोई और क्वांटिटी आ रही है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में तो हमने ये पता लगाया कि ये आनी चाहिए, तो जो मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस आपको क्या बताएगा, मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस आपको ये बताएगा कि अगर आपका टोटल इनपुट चेंज होता है लेकिन उसके अंदर की जो रेशियो है वो सेम रहती है तो उसमें कितना अंतर आएगा। तो हमने क्या किया कि हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी ली, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इतनी थी, वो कब थी, जब हम 100 यूनिट डाल रहे थे, अब हम 120 यूनिट डाल रहे हैं, तो 120 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी बनती है, 72 यूनिट, राइट? सो 72 यूनिट जो है वो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, मतलब अगर आप 120 का इनपुट बेशक डाल रहे हो लेकिन उसके अंदर की अगर आप परसेंटेज सेम रख रहे हो, जो बट रहा है जैसे वो ए और बी के बीच में अगर वो सेम रखते हो तो वो 72 आता है, तो अब आपका 24 एडवर्स हो गया। हाँ okay. लेकिन अब आप देखिए तो एक्चुअली हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी नहीं आ रही है हमारी, कोई और ही क्वांटिटी आ रही है ना, इसको इतना देखो, ये अब आपके पास 3 क्वांटिटी हैं, ये स्टैंडर्ड, ये एक्चुअल और ये रिवाइज स्टैंडर्ड। ये 60 रुपए था जब 100 इनपुट था, जब 120 इनपुट है तो 72 होना चाहिए था, और जब 120 इनपुट है तो 72 की बजाय होता कितना है, 80। बात समझ आई? ऐसे ही बी का 40 तब था जब 100 इनपुट था, अगर हम इनपुट को बढ़ा के 100 से 120 कर देते हैं तो 40 की बजाय 48 होना चाहिए था, जो आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, और एक्चुअली होता कितना है, 40। ठीक है, तो अभी जब आपने जो मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट की है वो ये दिखाने के लिए कैलकुलेट की है कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी और जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उन दोनों में कितना डिफरेंस है। You understand this thing? और जो अगली जो हम वेरियंस कैलकुलेट करेंगे वो होगी मटेरियल मिक्स वेरियंस, वो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिखाएगी कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी में कितना डिफरेंस है, कि जो आप ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसको बोल रहे हो क्या एक्चुअली आप उतना यूज कर रहे हो या उससे कम या ज्यादा, और जो पहली थी मटेरियल रिवाइज यूसेज वेरिएंस वो आपको इन दोनों के बीच का अंतर दिखा रही थी, 60 और 72 का, और ये आपको अंतर दिखाएगा 80 और 72 का, राइट? यस मैम। तो आपको एक्चुअली इसको इस तरीके से समझना है कि जब आप टोटल इनपुट चेंज करते हो तो अब आपको ये देखना है कि क्या हमारा जो स्टैंडर्ड है वो चेंज होता है और कितने से चेंज होता है, वो आपका मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस है, कि जो आपका जब 100 यूनिट लग रही थी तो 60 यूनिट का इनपुट ए का था, लेकिन जब हम 120 कर देते हैं इनपुट को तो हमारा जो ए का हिस्सा है वो 72 बन जाता है, तो वो उसकी वजह से चेंज है, और टोटल इनपुट के चेंज होने की वजह से जो दोनों मटेरियल की क्वांटिटी में चेंज हो रहा है वो रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस कहलाता है। तो रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस में हम परसेंटेज सेम रखते हैं और फिर देखते हैं कि कितना चेंज हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल है वो तो कुछ और ही है, फिर उसको जानने के लिए कि जो ये रिवाइज्ड है ये भी हम एक्चुअली नहीं यूज कर रहे, तो एक्चुअली जो यूज कर रहे हैं और जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में यूज करना चाहिए था उसमें और इसमें कितना अंतर है,
भाई 120 अगर आप इनपुट डाल रहे हो तो उसके हिसाब से तो 72 यूनिट लगनी चाहिए थी ए की, लेकिन लग रही है 80, तो 8 यूनिट का चेंज उसमें है, और जो 48 यूनिट लगनी चाहिए थी बी की और लग रही है 40, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी कैप्चर्ड इन द मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस में आप क्या लेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 72 होनी चाहिए थी और 80 है एक्चुअली, ये 48 होनी चाहिए थी, ये 40 है, और ये अगर करोगे तो आपको क्वांटिटी में आएगा। हमें रुपीस में चाहिए तो आप इसको प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्राइस में आप इसको फिर से स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल सी कि ये जो 16 रुपए एडवर्स आ रहा है ए के लिए और 24 रुपए फेवरेबल आ रहा है बी के लिए, तो एक्चुअली 8 फेवरेबल आ रहा है। ठीक है, तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो होता है इट इज अ सम ऑफ दिस रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, तो इन दोनों का अगर आप सम देखो, -48 + 8 क्या रह जाएगा, -40। यस मैम, तो ये -40 जो है आपका यहाँ पे आ रहा है, फिर -40 - 160, ये -200 हो जाएगा। यस मैम, और 200 एडवर्स आपकी कॉस्ट वेरिएंस आ रही है। तो आपने क्या किया कि पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, वो दो पार्ट्स क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सॉरी मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यूज में क्यों चेंज हुआ, अब क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा मटेरियल है तो दो कारणों की वजह से चेंज हुआ है, एक तो आपका इनपुट चेंज हुआ है, तो वी हैव अ मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस राइट, एंड वी हैव अ मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, एक मिनट।